अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। ब्राह्मण समाज में जो भी ब्राह्मण रहते हैं सभी को महाराज कहते हैं। आप कहना क्या चाहते हो? यह लोकतंत्र है या राजतंत्र है? लोकतंत्र में महाराज रहता है क्या कोई? राज तिलक देखिए, नहीं ये समर्थक हो सकता है उनका। मैं यही तो कह रहा हूँ कि उनके समर्थक जितने भी है सारे के दो नंबर के काम है। ठीक है, मेरा वही तो आ रहा हूँ। फिर मैं बैठा क्यों हूँ आप लोगों के बीच में? मैं इसके लिए बैठा हूँ कि ये जो गुंडा टोली है इसका इस मतपट को मेरे से जो बनेगी मैं मदद कर दूंगा, लेकिन आप मेरे से इसके बारे में कुछ भी पूछो तो ये जो बातें हमारे साथ की थी हमने आपके सामने वो बातें रखी। लिखित में कितनी शिकायतें हो चुकी है आपके माध्यम से? आज लिखित में हमें दो शिकायतें हुई है, कल एक कैंडिडेट की तरफ से एक पार्टी की तरफ से। कहां की है दोनों शिकायतें? आप सब लोग जानते हैं यह दबाव की राजनीति आज तक चलती आई थी। चुनाव तो पहली बार हुआ है और निश्चित तौर पर इतना दबाव लोग डरते हैं। आप कोई भी सामान्य तरीका व्यक्ति है अगर उसको धमकी मिल जाती है उससे हम पूछते हैं कि भैया किसने धमकाया, चलो अपन पुलिस में। और जो पहली घटना जहां हुई वहां पर उन लोगों के मुंह मुझे दिखे नहीं, इसके लिए मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन मैंने स्थान बताया कि वहां पर अनलीगल तरीके से दारू बिकती है, उस स्थान पर मेरे साथ वो घटना घटी है। और दूसरा स्थान भी मैंने वही बताया जहां पर मेरे साथ घटना घटी है। मैं नाम उसी का लूंगा जिसको मैंने देखा है, मैं और किसी का नाम लेके मैं विवाद को बढ़ा। संबोधित कर रहा है मनोज राजानी जी की जरूरत है। कल लेंटे झारखंड में मुझे मनोज राजानी जी की जरूरत थी तो विशेष मैंने बोला कि आपको वहाँ पहुँचना है, तो सब काम छोड़कर वहाँ समारोह पहुँचे। जैसे कि ठाकुर साहब का ग्रामीण क्षेत्र नहीं, ये कांग्रेस पार्टी है और आम नागरिक देवास के बिल्कुल आज उस भाषा में आ गए हैं कि हम परिवर्तन चाहते हैं और यहाँ डर का माहौल खत्म करना ही तो हमारा पहली प्राथमिकता है। अच्छे से जियो, अच्छे से जीने दो, खूब आगे बढ़ो, अपन भी आगे बढ़ो, देश को भी आगे बढ़ाओ, देवास को भी आगे बढ़ाओ। राजा साहब नहीं बोलते? नहीं, साहब बोलता हूँ। आपका नारा ही राजा बनाम सेवक हो गया। भाई मैं मेरे नेता दिग्विजय सिंह जी ने मेरे सामने कितनी बार बोला कि कोई मेरे को राजा करके नहीं बोलेगा, मैं सामान्य व्यक्ति हूँ। अभी आप एक सवाल कर रहे थे, हमें समझ गया आपका सवाल। एक मिनट, इनका सवाल है एक बार नौमी मैं कह देना चाहता हूँ, ये मेरी छवि को खराब करने की साजिश थी, यही तो चल रहा है। ये अच्छा आपने प्रश्न उठा दिया, यही तो चल रहा है भाई। हाँ, मुद्दों पर चुनाव लड़ो। आपने क्या किया है, आपने शिक्षा दी क्या लोगों को, आप उस पर बात करो, डिबेट करो। मैं आप लोगों के माध्यम से सम्मानीय, मेरी उनसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, आप लोग बता देना चाहता हूँ। लेकिन मैं शहर का एक नागरिक हूँ और आप इस पद पर बैठे हैं तो मेरा हक और अधिकार है कि मैं आपसे सवाल करूँ और आप उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। 5-6 पॉइंट में लेकर आ रहा हूँ, उन पॉइंटों पर मतलब देवास के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आए। पहली बार जनप्रतिनिधि देवास को मिलेगा जो 24 घंटे जनता के बीच में रहेगा, 1 घंटा रोज जो सरकारी हॉस्पिटल में खुद स्वयं बैठकर लोगों की मदद करेगा, खुद का कमरा भी रहेगा, कुर्सी रहेगी और वहाँ बैठकर लोगों की सेवाएं करेंगे 1 घंटा रोज MG हॉस्पिटल में। तो हम बहुत सारी चीज़ें लेकर आ रहे हैं। मैं तो आपसे निवेदन करता हूँ कि व्यक्तिगत देवास के नागरिक होने के नाते और एक अच्छे पत्रकार साथी होने के नाते हमारी बात जनता तक आप जरूर पहुंचाएं, ये हमारा निवेदन है। बाकी हम सब लोग परिवार के लोग हैं। भैया कुछ नाश्ता सा बुला रखिए। आप जवाब दो कि 7,000 रुपये महीने पे आज हमारे एक लड़कों को इंडस्ट्री एरिया में काम करना पड़ रहा है, 7,000 रुपये कितनी महंगी होती है, महंगाई कितनी है? आपने इनके लिए क्यों मध्य प्रदेश की विधानसभा में आवाज़ नहीं उठाई, क्यों सरकार का ध्यान आकर्षित आप नहीं करवा रहे हो? आप जवाब दो, आपका कर्तव्य जवाब देने का। आप जवाब दो कि मेट्रो से आपने देवास को वंचित क्यों रखा? आप जवाब दो कि ये जुआ सट्टा दारू ये सब आपके समर्थक बेच रहे हैं, आपने इनको रोका क्यों नहीं? तो ये हमारे कर्तव्य भैया, एक विपक्ष के कर्तव्य हम निभाएंगे और इसमें हमारी जान भी चली जाए ना, मजाक ले वो उनके हाथ से लिखा हो गया तो उनके हाथ से चले जाएंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? लेकिन डरेगा कोई नहीं, अब इस देवास में डर का कोई काम ही नहीं। और सभी ने देखा है कि वो प्रेस नोट एक अखबार की कटिंग आप सबको दिखाई गई,
वो अखबार कौन सा सामने आ जाए मैं बात कर लूंगा। और कौन बोल देगा मैंने किसी को पार्टी दी? राम नवमी के दिन मैं खुद भंडारे हूं, मैं पूजन पाठ में लगा और मुझे बदनाम करने के लिए उसकी शिकायत की है मैंने। उस जो एक नरेन डांगले करके कुछ एक लड़का है, उसने उसके फेसबुक आईडी से वो सब डाला कि प्रदीप चौधरी एक तरफ सिद्धिविनायक भक्त मंडल का आदमी है और एक तरफ से भगवान सिद्धिविनायक की बात हुई है। देखिए मैं अभी उसकी जानकारी पूरी मैंने विधिवत आरटीआई के तहत नहीं ली, लेकिन जो आम जनता में से मुझे जानकारी मिली कि रासुका और इस प्रकार की इन लोगों के ऊपर धाराएं लगी हुई है, वो भी अभी समय कम था हमारे पास में, वो भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम वो भी आप लोगों के सामने लाएंगे। सभी विधानसभाओं में कहीं ना कहीं जो विधायक होगा उसके ऊपर ये प्रेशर होगा, लेकिन यहाँ पर एक अलग बात आ रही है, क्योंकि उसमें महाराज भी है इसलिए कहीं जाकर लोग उनके साथ जुड़ के वो महाराज वाला जो आप कहते हैं ना महाराज, और कहा जाता है हमेशा कि गुलामी कब होगी, गुलाम से होगी, ये सामान्य विषय में बात होती है। तो क्या वो लोग उस भावना के चलते उनसे जुड़ते हैं, क्योंकि एक अलग प्रेशर निर्मित हो जाता है विधायक के अलावा भी। और उसके बाद ये होता है कि जब राजा की बात आती है या सेवक की बात आती है तो राजा ऐसा नहीं कि देवासमी है या भाजपा में है, कांग्रेस में भी बड़े इज्जत के साथ ये लगातार चुनाव को दूषित करने का एक षड्यंत्र विपक्ष द्वारा किया गया और इस चुनाव को विवादित करने का षड्यंत्र किया गया और इसमें एक षड्यंत्र पूर्वक इस चुनाव को खराब करने की एक चेष्टा की गई। और काले झंडे दिखाना अपनी जगह, लेकिन एक हमले के हिसाब के जो आप लोगों ने वीडियो देखे कि किस तरीके से वो काले झंडे लेकर हमारे ऊपर टूट पड़े और साथ में पता नहीं उनके पास हथियार थे नहीं थे, तो ये सब चीज़ों को लेकर मैंने आज प्रेस के सामने मिलने आया हूँ और जनता के बीच में बात लेकर आया हूँ कि हो सकता है कि मेरी जान को भी खतरा है और निवेदन करना आया हूँ प्रशासन से कि चुनाव खराब ना हो। और निवेदन करता हूँ विपक्ष में जो हमारी उम्मीदवार है उनसे भी निवेदन करता हूँ कि देवास की जो गरिमा है और देवास की जो प्रतिष्ठा है वो खराब ना हो। उनकी जो गुंडा टोली है, जो जिनके जो जुमा चलाते हैं, जो सट्टा चलाते हैं, जो ड्रग्स बेचते हैं, जो अनैतिक गतिविधियों में जो अनैतिक गतिविधियां और व्यापार करते हैं, वो उन टोली को अभी बस में रखें, वही इस देवास का माहौल ख़राब ना करें, ये इस हेतु में यहाँ प्रेस से मिलने आया हूँ। क्या मानते हैं इस तरीके के व्यवहार से मतदान प्रतिशत कम होगा? ये देखिए मतदान प्रतिशत तो आज अब की बार देवास में बढ़ेगा, लोगों में आक्रोश है, लोग दबी जुबान में कह रहे हैं और डर का माहौल जो ये बना रहे हैं ताकि लोग होर्डिंग ना लगाए, पोस्टर ना लगाए, लोग पोलिंग बूथ तक ना जाएं, उनका प्रयास है ये और इसके लिए जो डर का माहौल बनाने का प्रयास ये लोग देवास में कर रहे हैं। भैया कहाँ कहाँ शिकायत कर रखी है आपने? अभी चुनाव आयोग को भी किए, कलेक्टर को भी किए और पुलिस प्रशासन को भी किए। शिकायत के बाद आपको किस तरह के सुरक्षा गार्ड? अभी एक गार्ड मुझे दिया गया है प्रशासन की तरफ से और अभी देखता हूँ, तो एक गार्ड में काम नहीं होगा तो फिर गार्ड उनको बढ़ाने के लिए बोला। एक दिन एक पार्टी हुई थी जिसको लेकर अभी आपने कहा कि आपने प्रकरण में दर्ज कराया पूरा, क्या मामला? ये देखिए एक किसी की छवि बिगाड़ने के लिए ये खेल था, आप सब पत्रकार साथी यहाँ थे, कौन से पेपर वाला है वो, कौन सा पेपर वाला जरा सामने लाओ, उसके पास क्या सबूत है, कहाँ उसने मुझे पार्टी देते देख लिया या कहाँ मैंने पार्टी दी? अरे मैं एक धार्मिक आदमी हूँ, मैं अपना माँ नवरात्र में माँ की पूजा में सेवा में लगा हुआ हूँ और ऐसे समय में आप मेरी छवि खराब करने का दुस्साहस कर रहे हो, लेकिन आम जनता उसको खारिज करेगी। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ ये सिर्फ और सिर्फ मेरी छवि खराब करने का काम था, ऐसे दुष्प्रचार करने का काम इन लोगों ने इनके द्वारा किया गया। भ्रामक खबर आपको जान को खतरा है चुनाव? बिल्कुल है, मेरी जान चली जाए देवास के लिए मुझे कतई परवाह नहीं, मुझे मार भी देंगे तो मेरे घर वाले मुझे ले जाएंगे उठाकर जला भी देंगे, लेकिन मेरी वजह से कोई देवास का नागरिक हताहत ना हो, मेरी वजह से कोई कार्यकर्ता हताहत ना हो, ये मैं आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूँ। तस्वीर बताना चाहेंगे आप जो लोग थे उसमें? ये लिस्टेड गुंडा है, ये वीरेंद्र लिस्टेड गुंडा है जिसका जो अभियुक्त था राधोगढ़ हत्याकांड में किसान की जब मौत होती उसमें भी अभियुक्त था ये है, और ये राजू करके एक ये है और ये एक जगह जो झंडा दिखाया वो चार रासुका में और जिला बदर भी हो चुका है, तो ये ऐसे गुंडे मुझे झंडे दिखा रहे हैं और वो गुंडे दिखा रहे हैं जिनका उनको मालूम है कि अगर प्रदीप आएगा तो उनके कारोबार बंद होने वाले हैं, उनके अवैध कारोबार बंद होने वाले हैं, उन पर अंकुश लगने वाला है, तो वो निश्चित तौर पर वो कुछ भी कर सकते हैं, ये बात मैं आप लोगों के माध्यम से जनता के बीच में भेजना चाहता हूँ। धन्यवाद।